नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर। जातिवाद के जहर और संप्रदायवाद के जुनून को पनपने नहीं देंगे, लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐलान किया कि जातिवाद के जहर और संप्रदायवाद के जुनून की किसी भी रूप में कोई जगह नहीं होगी। इस जहर को विकास के अमृत से मिटाया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 महीने में उनकी सरकार पर अब तक एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। कालाधन पर बनाए गए सख्त कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कालाधन लाने का प्रयास हो रहा है, यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक फायदा तो हुआ है कि अब कोई काला धन बाहर नहीं भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में 18,500 गांवों को बिजली पहुंचाने का वादा किया। साथ ही छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह भी किया। लगभग 1.5 घंटे के अपने भाषण में कोई खास घोषणाएं न करते हुए इसी लाल किले की प्राचीर से अपने पिछले संबोधन से की गई घोषणाओं का लेखा जोखा लिया। वन रैंक वन पेंशन पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस तिरंगे की छत्र छाया और लाल किले की प्राचीर से मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि हमने सिद्धांत रूप में वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार कर लिया है। इस पर बात अंतिम दौर में पहुंची है। उन्होंने युवा शक्ति के लिए स्टार्टअप इंडिया की घोषणा करते हुए कहा कि स्टार्टअप देश को नया आयाम दे सकता है। देश के 1.25 लाख बैंकों की शाखाएं हैं और इसके जरिए वे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं को, दलितों को उद्यम के लिए ऋण दें। स्टार्टअप के तहत बैंक महिलाओं को उद्यम लगाने में मदद करें। मोदी ने कहा कि रसोई गैस सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचाने से इसकी कालाबाजारी और दुरुपयोग बंद हुआ है और इससे 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। करीब 20 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की, देश के खजानों में 3 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ 800 केस दर्ज हुए थे, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 1800 केस दर्ज हो चुके हैं। अपनी सरकार को किसानों के प्रति समर्पित बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय का नाम अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होगा। अपने आलोचकों पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग निराशा के गर्त में डूब जाते हैं, उनको निराशा में डूबने का शौक होता है। जब तक वे निराशा प्रकट नहीं करते उन्हें संतोष नहीं मिलता। कुछ लोग निराशा ढूंढते रहते हैं, फैलाते रहते हैं और जितनी अधिक निराशा फैले उन्हें उतनी गहरी नींद आती है, लेकिन कोई उन पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये थी हमारी स्वतंत्रता दिवस पर विशेष समाचार प्रस्तुति। अंत में वेब दुनिया के सभी दर्शकों और पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।